19 वायरस के चलते देश भर में लोग लागू लॉकडाउन में घर से बाहर फंसे हुए हैं। उनके सामने खाने पीने अथवा रहने की तमाम दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला मथुरा के बलदेव क्षेत्र में राय रोड स्थित दाऊजी कोल्ड स्टोर में बिहार के 80 मजदूर फंसे हुए हैं, जहां पर आज उन लोगों के द्वारा खाना ना मिलने की शिकायत लेकर आने के लिए सड़क पर निकल पड़े। इनके सड़क पर आने की सूचना जब पुलिस को हुई तो पुलिस ने थाने तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया और वापस कोल्ड स्टोर में ही इनको भेज दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अब तक 18 दिन बीत जाने के बाद कोल्ड स्टोर संचालक के द्वारा इन 80 मजदूरों की सूचना प्रशासन तक क्यों नहीं दी गई और ना ही स्वास्थ्य विभाग को दी गई। अगर इनमें से कोई भी कोरोना वायरस एक्टिव पेशेंट होता है तो यह लोग आज सड़क पर घूम रहे थे, ना जाने कितने को संक्रमित कर सकते थे। इनमें कोल्ड स्टोर संचालक एवं प्रशासन की घोर लापरवाही भी सामने आ रही है। वहीं जब इन लोगों से मीडिया ने बताया कि उनको खाना पीना समय से नहीं मिल रहा है और कोल्ड संचालक एवं ठेकेदार उनको खाना नहीं दे रहे हैं और काफी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ मजदूरों का कहना है कि यदि हमें खाना भी दिया जा रहा है तो हमारे पैसे काटे जा रहे हैं, जबकि यहां पर हमारा मजदूरी भी नहीं चल रही है। इस संबंध में जब कोल्ड स्टोर संचालक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लोगों को खाना दिया जा रहा है लेकिन यह ऐसे ही बनी बाजी कर रहे हैं। जब इस संबंध में 80 मजदूरों के ठेकेदारों से बात की गई तो वह भी टाल मटोल करने लगे और सही से जवाब नहीं दिया और ना ही उसने यह कहा कि इनको खाना दिया जा रहा है और ना ही यह कहा कि खाना नहीं मिल रहा है। लेकिन उसकी बातों से जाहिर हो रहा है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी तो है। जब इस बात की भनक प्रशासन को लगी तो प्रशासन में खलबली मच गई और बलदेव के खंड विकास अधिकारी श्वेतांग पांडे मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कोल्ड संचालक से इनकी बात हुई है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि हमने अपने नोडल ऑफिसर को, जो कि कोल्ड स्टोर है, इसकी देखभाल करते हैं, सरकार की तरफ से इस पूरे मामले की जानकारी दे रखी है, लेकिन उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है और उन्होंने दोनों समय का खाना देने की बात कही है, लेकिन मजदूर इस बात पर राजी ना होकर उनका कहना है कि हमें फ्री में ही खाना दिया जाए और हमारे पैसे भी ना काटे जाए। कोल्ड संचालक द्वारा खाने पीने के इंतजाम की बात कही गई है और वह भी नियमित तरीके से यहां पर ध्यान रखेंगे। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। नीलेश ठाकुर, क्या समस्या आ रही है? खाना नहीं मिल रहा है ना, बहुत परेशानी आ रही है। हाँ, इसीलिए तो आज गए थे खाना पे सभी आदमी। खाना नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा है, सिर्फ आलू गोदाम से देता है और जो आटा चावल दाल तेल जो होता है सब। नाम है गोपाल। क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है? प्रॉब्लम यही है कि अपने जेब से खाते हैं। बुलाओ ठेकेदार को, बुलाओ। हाँ भाई, अपने पैसे खाते हैं। तो अपने पैसे से खाना खा रहे हैं? पैसे से खाना खा रहे हैं। कोल्ड मालिक के द्वारा नहीं दिया जा रहा है खाना? नहीं खा रहे। कितने दिन हो गए? लगभग 15 हो गया। 15 दिन हो गए। अच्छा, अब आपने थाने पर गए थे तो प्रशासन से क्या उम्मीद थी, क्या क्यों गए थे? इसलिए गए थे आज। गए थे खाने के लिए, गया कि मेरे को खाना चाहिए। अच्छा, फिर क्या कहा उन्होंने? यही बोला कि चलो वहाँ पे कोल्ड में व्यवस्था तुम्हारा हो जाएगा। नहीं, अभी कोल्ड स्वामी का कहना है, मालिक का कहना है कि उनको बदस्तूर खाना दिया जा रहा है। आपके सामने उन्होंने बोला कि हम खाना प्रतिदिन दे रहे हैं इनको। खाना तो दे रहा, तो आप पैसा तो हमारा कटता है भैया जी। अच्छा, पैसा तो हमारा कटता है। रहने का तो इंतजाम है, खाना पीना का बहुत कष्ट हो रहा है। क्या कष्ट हो रहा है? खाना पीना नहीं मिल रहा है अंदर से। आज 15 दिन से हम काम पर बंद है, बैठे हैं। क्या 15 दिन से भूखे आप? भूखे तो अपना जेब से खा रहे थे। आपके यहाँ पे जो स्वामी हैं कोल्ड स्वामी, उनका कहना है कि उनके द्वारा खाना डेली दिया जा रहा है, तो क्या आप उनका कहना गलत है? गलत है। अभी हमारा ठेकेदार कहता है कुछ नहीं मिलता है, हम कह देंगे तो अपने पल्ले से खाओ, अपने जेब से खाओ। तो तुम अपने खाने का पैसा देते हो? अभी हम अपना पैसा देते हैं खाना का। कब से दे रहे हो पैसा खाने का? आज 15 दिन से। यहाँ कोल्ड स्वामी द्वारा नहीं खिलाया जा रहा? नहीं। जो आपके हैं, कहाँ से रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? ये बिहार के रहने वाले हैं साहब। अच्छा। और ये आलू लोडिंग करने आए थे, ये फरवरी में यहाँ आए थे, 20 फरवरी के आसपास जी। और इनका काम 2-3 दिन पहले तक चला है, अब इनका 2-3 दिन से काम नहीं चल रहा है, काम खत्म हो गया आलू का, लॉकडाउन की वजह से ये जा नहीं पाए। तो आज इन्हें क्या समस्या है, सब इकट्ठे हो गए? मिश्री साहब, इनके लिए पहले भी कह दिया था, इनके ठेकेदार से भी कह दिया था, खाने की व्यवस्था कर देंगे। ठेकेदार को हमने कहा इकट्ठा तुम्हारा राशन आ ही रहा है, हम पैसे दे देंगे तुमको।
लेकिन अब ये जबरदस्ती मतलब उदम मचा रहे हैं तो उसका कोई नहीं। अच्छा, ये लोग होकर के थाने पहुंचे, इनका आरोप है या इनका कहना है कि इनको खाना नहीं मिल रहा है। बिल्कुल साहब, दोनों टाइम खाना खा रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि खाना नहीं दिया जा रहा। अभी भी इनके अंदर जाके देख सकते हो कितना राशन रखा हुआ है। ये ठीक है, 1 बजे खाता है खाना, 1 बजे ये तो बना, तुम्हारा आदमी बना रहा है। कहने का जो आशय था खाने को लेकर था, खाना इनको बरकरार मिल रहा है। और साहब आज के बाद फिर और भी अगर कोई इनको दिक्कत होगी खाने की तो साहब हम हैं, हम देखेंगे खाने का व्यवस्था हम करेंगे। क्या मामला है, किस तरह आए थे आपने? कुछ नहीं, दाऊ जी कोल्ड स्टोरेज राया रोड बलदेव में स्थित है गोयल साहब का। तो यहाँ पहले से ही लॉकडाउन के पहले ही मजदूर आए हुए थे बिहार से, और गोयल साहब ने यहाँ पर चूंकि लॉकडाउन हो गए जा नहीं पाए, तो इनके खाने पीने की व्यवस्था थी। आज जो इनको ठेकेदार लेके आया था उसने शायद खाने के लिए मना कर दिया, इसलिए थोड़ी समस्या हुई। लेकिन जो कोल्ड स्टोरेज के संचालक हैं गोयल जी, उन्होंने इनको भोजन कराया है और आश्वासन दिया है कि जब तक लॉकडाउन है इनको सही तरीके से रखा भी जाएगा और खाना भी दिया जाएगा, और अगर कोई दिक्कत होती है तो प्रशासन को। सब लोग इकट्ठे होकर थाने की ओर गए थे, किस लिए गए थे? वो उनके इनके ठेकेदार ने इनको आज खाना नहीं दिया था, आज सुबह खाना नहीं दिया। मैं घर भिजवाने के लिए बोल रहा हूँ। लॉकडाउन के लिए तो कोई स्थिति है ही नहीं है, यहाँ पर कमरे पर्याप्त हैं और पर्याप्त कमरों में ठीक ठाक व्यवस्था रखी हुई है। एक बार मेडिकल टीम भेज के मैं चेकअप भी करा दूंगा, फिलहाल सभी लोग स्वस्थ दिख रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि उनको खाना भी नहीं मिल रहा है। नहीं, खाना मिल रहा है, गोयल साहब ने व्यवस्था करा दी है। नहीं, वो बता रहे हैं 15 दिन से हमको खाना नहीं। क्यों भाई, 15 दिन से खाना कैसे मिलेगा, तो कैसे खड़े रहेंगे? नहीं, वो इनका कहना ये, खाना तो हमें मिल रहा है दोनों टाइम मिल रहा है, लेकिन उसका पैसा काटा जा रहा है। जी, तो इसलिए अभी सरकार के निर्देश ये हैं कि उन्हीं की द्वारा व्यवस्था की जाएगी। जहाँ भी हैं, हमने आज गोयल जी से कह दिया है, वो इसको मामले को सॉर्ट आउट कर देंगे। ये ठेकेदार का, ये ठेकेदार द्वारा काटे जा रहे पैसे, जो ठेकेदार के बदतमीजी थे हमने गोयल साहब से कह दिया। गोयल साहब ने अपनी व्यवस्था कर दी है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। जो यहाँ के संचालक हैं कोल्ड स्टोरेज के, उन्होंने अपने स्वतः अपने ऊपर से व्यवस्था कर दी है, कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या होगी तो संज्ञान लिया जाएगा। फिलहाल यही रिपोर्ट मुझे एसडीएम साहब को मैंने बता दी। क्या नाम है तुम्हारा? संजय कुमार नाम। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का खगड़िया। क्या दिक्कत है, क्या समस्या आ रही है? दिक्कत यही है कि हमको रहने का तो इंतजाम है, खाना पीना का बहुत कष्ट हो रहा है। क्या कष्ट हो रहा है खाने? खाना पीना नहीं मिल रहा है अंदर से, आज 15 दिन से हम काम पर बंद है बैठे हुए। क्या 15 दिन से भूखे आप? भूखे तो अपना जेब से खा रहे थे, अब नहीं। आपके यहाँ पे जो स्वामी हैं कोल्ड स्वामी, उनका कहना है कि उनके द्वारा खाना डेली दिया जा रहा है, तो क्या आप उनका कहना गलत है? गलत है। क्या हमारा ठेकेदार कहता है कुछ नहीं मिलता है, हम कहा देंगे तो अपने पल्ले से खाओ, अपने जेब से खाओ। तो तुम अपने खाने का पैसा देते हो? अभी हम अपना पैसा देते हैं खाना का। कब से दे रहे हो पैसा खाने का? 15 दिन से। यहाँ कोल्ड स्वामी द्वारा नहीं खिलाया जा रहा है? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.